रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत किशोरी के अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। बताया जाता है कि किशोरी का अपहरण कर आरोपी उसको बंधक बना लिया था। वह लगातार पीड़िता का शारीरिक शोषण करता रहा। उसके चंगुल से आजाद होकर किशोरी घर पहुंची और परिजनों को आपबीती सुनाई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि किशोरी 3 सितंबर की रात घर के अंदर सो रही थी। देर रात आरोपी अरुण तिवारी निवासी गढ़ उसके घर में घुस आया। पीड़िता का मुंह दबाकर वह जबरदस्ती अपने साथ ले गया। इस दौरान दूसरे कमरे में पिता सो रहे थे। आरोपी उसे अपने घर ले गया, जहां उसे 5 दिनों तक बंधक बनाए हुए था। इस दौरान पीड़िता के साथ बलात्कार करता रहा। पुलिस ने किशोरी के मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भिजवाया और आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। आइए सुनाते हैं पूरी घटना के संबंध में एडिशनल SP ने क्या कहा है। गढ़ थाना क्षेत्र का मामला है। आदिवासी समाज की लड़की उसने थाने आकर के रिपोर्ट की। आरोपी जो है उसे परिचय मेरे से फिर मेरे को 3 तारीख को मेरे साथ मेरा कमरे में रखता रहा, मेरे साथ गलत काम करता रहा। जैसे जैसे बात छुड़ा करके थाने पहुँची तो उसने सारी घटना बताई, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया, आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया और विवेचना भी जारी। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।